Hey guys, good evening. How are you all? I hope I am audible. Right, so today what are we doing? We are doing the revision session on the subject surveying or geomatics engineering. We are dealing with all the basic parts of the surveying. My name is Dr. Zoya Fatima. I am an educator on the Unacademy platform. So, this is the schedule we have been following for the revision series of surveying or geomatics engineering so we have already completed the week one syllabus wherein we have dealt with fundamentals of surveying chain surveying compost surveying or class may we had done the plane table surveying so today we are in the 8th class that is the week 2 wherein we will be doing the theodolite surveying okay so by the end of 31st july we will complete the entire basics of the surveying subject a quick revision session right so before getting started this is about me so you can access my an academy profile link for all the classes which have been there all my classes will come under free special class category so if anyone is uh, joining the academy for the first time, you can use the code ZOYA05 to join or to take the subscription. Right, chalo so we have a comeback, comeback which is coming on the 21st of July at 11 a.m. So you can use the code ZOYA05 to join it. Right, so it is a largest weekly competition for GATE syllabus. So the advantage of giving it is if you are in. हंड्रेड रैंक्स सो यू विल गेट सब्सक्रिप्शन ऑफ वन टू थ्री आपको हंड्रेड परसेंट ऑफ मिलेगा आपके सब्सक्रिप्शन पे राइट फोर टू टेन सेवेंटी फाइव परसेंट का मिलेगा एलेवन टू फिफ्टी यू विल गेट फिफ्टी परसेंट ऑफ एंड फ्राम फिफ्टी वन टू हंड्रेड यू विल गेट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ ओके तो देना एंड वेरी सून द प्राइज इज गोइंग ऑन टू हैपन बाई द ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई सो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लो बहुत एडवांटेजेस है सब्सक्रिप्शन के सो यू कैन यूज दिस एंड ई एस सी प्रम्स हुआ था उसका पेपर एनालिसिस वॉज डन लाइव ऑन एटीन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है यू कैन गो एंड चेक इफ यू नॉट येट डन योअर पेपर एनालिसिसके तो ये दो बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं बैच ए फॉर द एक्सिलेट दिस इज फॉर गेट एंड ई 2022 एंड फॉर आरोह दिस इज फॉर गेट एंड ई 2023 दिस इज द बैच एफ लास्ट बैच तो ये सब दोनों ट्वेंटी फर्स्ट ऑफ जुलाई 2021 पे स्टार्ट हो रहा है तो बिफोर दैट यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन यूज माई कोड टू गेट टेन डिस्काउंट ओके और एक ये वर्स बैच भी स्टार्ट हो रहा है दिस इज प्योरली फॉर गेट ट्वेंटी ट्वेंटी अगेन राइट right, ये सारे हमारे प्लस कोर्सेस है राइट right, और एक ऑफर है अभी अभी आप ट्वेल्व मंथस का सब्सक्रिप्शन लोगे तो टू मंथ का फ्री मिलेगा और प्लस थ्री मंथ का आपको कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग का भी मिलेगा राइट यू हैव टू जस्ट पे ट्वेंटी सेवन के फॉर द ट्वेल्व मंथ्स, राइट सिमिलरली यू इफ यू आर गोइंग फॉर ट्वेंटी फोर प्लस फोर मंथ्स सिक्स मंथस का आप कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग ले सकते हैं एंड यू हैव टू पे थर्टी नाइन के ओके सो ये देखो सारे रेफरल बोनस ये सब डाल के ये आपका वैल्यू सेविंग्स का रहेगा राइट दिस इज वॉट यू हैव टू पे तो एज सुन एज पॉसिबल यू डू द सब्सक्रिप्शन एंड ये हमारे सारे आइकोनिक और प्लस के एडवांटेजेस है विच यू कैन अवील ओके तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड ये अपने के के गेट टॉपर्स थे राइट सो वॉट टूडे वी आर डूइंग द डूंग सर्वे अभी वाई डू वी गो विथ थियोडिलाइट सर्वे देखो कॉम्पोस्ट सर्वे से कॉम्पोस्ट से भी हम एंगल फाइंड कर सकते हैं राइट बट टू गेट एक्यूरेट एंगल्स वी कैन गो फॉर थियोडिलाइट सर्वे राइट टू गेट एक्यूरेट हम दोनों द इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड एज थियोडिलाइट हम क्या क्या कर सकते हैं वी कैन फाइंड द हॉरिजोंटल एंगल वी कैन फाइंड द वर्टिकल एंगल वी कैन विद्प ऑफ थियोडिलाइट वी कैन इवन लोकेट अ पॉइंट ऑन अ लाइन राइट और हम क्या कर सकते हैं लाइट से प्रोलॉन्ग कर सकते हैं एक लाइन अगर मान के चलो इफ द लाइन इज ओनली टू सम एक्सटेंड इफ यू वांट टू प्रोलॉन्ग इट यू कैन प्रोलॉन्ग द ऑलरेडी लेइंग सर्वे लाइन राइट ये भी हम कर सकते हैं राइट right? हम ग्रेड्स एस्टैबलिश कर सकते हैं व्हाट इज ग्रेड्स स्लोप में आएगा ना स्लोप के जो एंगल्स uh, रहते हैं उसको ग्रेड्स बोलते हैं हम वी कैन द ग्रेड्स इन दिस वी कैन सेट आउट सेटिंग आउट कर्व्स कर सकते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ थियोडेलाइट राइट और क्या कर सकते हैं वी कैन ऑल्सो एस्टेब्लिश द डिफरेंस इन एलिवेशन एस्टेब्लिश द डिफरेंस इन एलिवेशन तो ये सारे काम हम अपने थियोडिलाइट से कर सकते हैं मेजर वन इज फाइंडिंग दॉरिजोंटल एंड वर्टिकल एंगल अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन डू ऑल दिस विद हेल्प ऑफ थियोडिलाइट सर्वे ये कॉम्पोज सर्वे से भी ज्यादा प्रिसाइज होता है राइट एंड इट हैज मल्टीपल यूजेस राइट तो मेजर जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं थियोडिलाइट सर्वे में इज योर थियोडिलाइट देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ थियोडिलाइट दो तरह के होते हैं अपने थियोडिलाइट राइट द फर्स्ट वन इज योर ट्रांसिट थियोडिलाइट द सेकेंड वन इसको ट्रांसिट थियोडिलाइट बोल सकते हैं या फिर सिर्फ ट्रांसिट का नाम दे सकते हैं राइट द नेक्स्ट वन इज योर नॉन ट्रांसिट थियोडिलाइट अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है इन द ट्रांसिट थियोडिलाइट जो भी अपना लाइन ऑफ साइट होता है ना एक, एक टेलीस्कोप होता है थियोडिलाइट में सो इफ यू सी In that that is your line of sight. In जो भी अपना वर्टिकल एक्सेस uh, रहता है उसके थ्रू हम टोटली totally अपना थियोडिलाइट को वन एटी डिग्री द टेलीस्कोप को वन एटी डिग्री घुमा सकते हैं राइट सो वी कैन बेसिकली बेसिकली गेट द ट्रांसिट कर सकते हैं हम लोग ट्रांसिट मतलब रोटेट सो हाउ मच ऑफ रोटेशन इज पॉसिबल 180 एटी डिग्री ऑफ रोटेशन इज पॉसिबल मतलब जब फेस राइट right होता है तो यू कैन कंप्लीटली गेट टू फेस लेफ्ट जस्ट बाई ट्रांसिटिंग ओके फेस लेफ्ट फेस राइट क्या होता है फर्दर हम डील करेंगे सो इन ट्रांसिट थोडिलाइट इट इज पॉसिबल फॉर अस टू रोटेट दियोडिलाइट बाई वन एटी डिग्री नॉन ट्रांसिट में वैसे नहीं होता नॉन ट्रांसिट में अपना टेलीस्कोप फिक्स होता है राइट right? Uh, इसको हम एदर प्लेन थियोडिलाइट बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं वाई थियोडिलाइट राइट हियर हियर देर इज नो पॉसिबिलिटी दैट यू कैन रोटेट योर टेलीस्कोप बाय 180 एटी डिग्री वी कैनॉट डू द ट्रांसिट हियर वेर एज हियर द ट्रांसिट इज पॉसिबल बाय 180 एटी डिग्री राइट अभी जब हमको टाइप्स ऑफ थियोडिलाइट का पता चल गया है नाउ वॉट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड आर ऑल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द थियोडिलाइट सो दैट वी कैन डू इट्स ऑपरेशन वेरी इन ए परफेक्ट मैनर तो फर्स्ट वन इज वॉट जो टेलीस्कोप जिससे हम देखते हैं ना ये दिस पोर्शन इज द टेलीस्कोप पोर्शन राइट इट इज माउंटेड ऑन ए स्पिंडल विच इज नोन एज दॉरिजोंटल एक्सिस राइट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अपना थियोडिलाइट माउंट हुआ होता है एंड इसके इसके ना इसका एक इंटरवल इंटर इंटरनल फोकसिंग आईपीस रहता है जिससे हम लोग क्लियरली अपना वट एवर वी साइट वी कैन सी दैट राइट दैट वन इज द टेलीस्कोप नेक्स्ट क्या होता है एक वर्टिकल सर्कल होता है जिसके एक सर्कुलर ग्रेजुएटेड लिंग रिंग होता है दिस इज वर्टिकल एक्सिस राइट right? यहां पे है देखो आपका वर्टिकल सर्कल दिस दिस वन दिस वन इज योर वर्टिकल सर्कल इसमें ग्रेजुएशन होते हैं सो so, कितना होता है ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन विल बी फ्रॉम 30 टू 360 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट विल बी देर राइट सो दिस इज बेसिकली फॉर फाइंडिंग आउट द वर्टिकल एंगल्स वी यूज द वर्टिकल सर्कल फॉर फाइंडिंग आउट द वर्टिकल एंगल्स देन एक होता है इंडेक्स फ्रेम इंडेक्स फ्रेम को हम टी फ्रेम भी बोलते हैं वी कॉल इट कॉलिटाइज टी फ्रेम और वी कैन कॉल इट कॉलिटाइज वर्नियर फ्रेम ओके सो इसका क्या यूज uh, है इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्ट वर्टिकल लेग इसको हम वर्टिकल इस, इसके पास एक वर्टिकल लेग होता है उसको हम वी कॉल इटाइजाइज एम और ए हॉरिजोटलो ए वर्नियर आर्म ओके सो इसके इसके ऊपर आपका ये ट्यूब भी रहता है मतलब लेवलिंग ट्यूब ऑल्सो विल बी देर ऑन दिस पर्टिकुलर

इसी, इसी पे अटैच हुआ रहता है, okay? यूज़ करते हैं हम लोग? दो लेवलिंग हेड होते हैं देर विल बी टू लेवलिंग हेड वन विल ऑन दॉरिजॉन्टल प्लेट एंड वन विल बी ऑन द वर्टिकल प्लेट तो दोनों को लेवल हमको करना पड़ता है राइट विदाउट डूइंग द लेवलिंग वी कैनोट स्टार्ट विथ अवर कैलकुलेशन वाई बिकॉज दिस इज एंगल कैलकुलेशन अगर सीधा ना हो टिल्टेड हो आपका इक्विपमेंट तो ऑलरेडी कुछ एंगल आ जाता है ना तो एरर हो जाता है सो बेसिकली लेवलिंग हेड आर फॉर डूइंग योर लेवलिंग देन होता है एक लोअर प्लेट इसको हम क्या बोलते हैं स्केल प्लेट भी बोलते हैं वी कॉल द लोअर प्लेट एज स्केल प्लेट ऑल्सो राइट इसमें क्या होता है लोअर स्क्रूज होता है लोअर स्क्रूज होते हैं ये साइज ऑफ द स्केल के बेस पे हमारा थियोडिलाइट डिवाइड हुआ होता है सो द डिविजन ऑफ द दियोडिलाइट कैन बी बेस्ड ऑन दिस साइज ऑफ द स्केल प्लेट ओके सो बेसिकली दिस इज द लोअर पोर्शन वेर यू हैव स्क्रूज फॉर डूइंग योर लेवलिंग राइट देन नेक्स्ट वन इज द अपर प्लेट सो अपर प्लेट को हम क्या बोल सकते हैं वी आर ऑल्सो कॉल द अपर प्लेट एज वर्नियर प्लेट जहां पे अपना वर्नियर रहता है जहां से हम रीडिंग लेते हैं ना दैट इज कॉल्ड एज द अपर प्लेट तो बेसिकली यहाँ पे टू वर्नियर होता है एंड ऑल्सो अपर स्क्रूज भी होते हैं इस वाले अपर प्लेट पे ओके okay. तो वो है अपना अपर प्लेट देन क्या है नेक्स्ट वन क्या है वॉट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव प्लेट लेवल्स प्लेट लेवल्स विल बी ऑन द अपर प्लेट This will be used for uh, if if there is any et, uh, extra vertical position which has to be the, uh, done, that can be done with the help of the level plate. Fear kya hota tripod hota pura equipment will be fixed, right? And there will be a plumb bob uh, uh, for the centering of the instrument, and then we'll, there will be a compass to just in case we.

टूनिंग एक्सिस एनी वेज आई टेल अबाउट फर्दर राइट एक वर्टिकल सर्कल होता है अपना एक आईपीस होता है जो स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ दाइट करते हैं राइट right? एक प्लेट लेवल होता है देखो, level, okay. इसको हम अपर प्लेट बोलते हैं ये पूरा पोर्शन को हम अपर प्लेट बोलते हैं देन वर्नियर एंड बी रहता है देन ये पूरे पोर्सन को हम लोअर प्लेट बोलते हैं दो ऐसे अलग अलग होते हैं विच विल रोटेट अबाउट अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट, right? और इस वाले पोर्शन में इसको क्या बोलते हैं इन स्पिड एक ट्राई ब्रांच लेवलिंग स्क्रूज यहाँ पे है अपने हॉरिजॉन्टल लेवलिंग स्क्रू देन दिस इज योर ट्राइवेट जहां से आप अपने ट्राईपोड को कनेक्ट कर सकते हैं राइट देन इज द एंड द ट्राईपोड लेग सो दिस entire portion is called as your leveling head okay so this is about your parts of the theodolite Zadat question nahi aate parts of the theodolite but it is important for you to understand what exactly are the different parts of the theodolite next basics terms we uh, we have to understand a few basic terms so ye kya hai? first one is your vertical axis the vertical axis is the one about which your horizontal plate will rotate हॉरिजोंटल प्लेट विल रोटेट आपको अगर देखो आपका हॉरिजोंटल प्लेट ऐसे रोटेट होगा ना तो दिस इज दर्टिकल एक्सिस सो अबाउट योर वर्टिकल एक्सिस योर हॉरिजोंटल प्लेट विल रोटेट बोथ अपर प्लेट एंड दोअर प्लेट दो हॉरिजोंटल प्लेट होते हैं राइट अपर प्लेट एंड लोअर प्लेट दोनों अबाउट दर्टिकल एक्सिस रोटेट करेंगे राइट वर्टिकल एक्सिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एज मुथ एक्सिस राइट देन सेकेंड वन इज योर हॉरिजोंटल एक्सिस हॉरिजोंटल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं ट्रियोनियन एक्सिस भी बोलते हैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया राइट दिस इज योर ट्रियोनियन एक्सिस और दॉरिजोंटल एक्सिस सो वॉट एक्जैक्टली इज इट सो दिस इज द एक्सिस अबाउट विच योर टेलीस्कोप एंड दर्टिकल सर्कल विल रोटेट राइट वॉट ऑल विल रोटेट अबाउट दिस योर टेलीस्कोप टेलीस्कोप ऐसे रोटेट होगा ना ऐसे रोटेट होगा टेलीस्कोप तो आपका एक्सिस ऐसे रहेगा हॉरिजोंटल एक्सिस अबाउट दिस योर टेलीस्कोप विल रोटेट टेलीस्कोप एज वेल एज दर्टिकल सर्कल दे विल रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन दीज विल रोटेट इन वर्टिकल

ऑप्टिक सेंटर ऑफ द आई पीस मतलब सिंपल है ना टेलीस्कोप हम आप कहा आई पीस हेयर रहेगा फिर सामने जहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव होता है वहां पे भी एक क्रॉस हेयर रहेगा सो थ्रू दैट क्रॉस हेयर विच एवर लाइन इज पासिंग दैट इज कॉल्ड एज दी लाइन ऑफ साइट और लाइन ऑफ कॉलिमेशन सो इट विल पास थ्रू वॉट इट वि टेलीस्कोप राइट थ्रू द क्रॉस हेयर ऑफ इसको क्या बोलते हैं क्रॉस हेयर ऑफ आई पीस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेलीस्कोप राइट देन एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब इल्सो कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ बबल एक्सिस ऑफ बबल ट्यूब ये क्या है इट इज अ स्ट्रेट लाइन टैंजेंटल टू द लॉन्गिट्यूडिनल कर्व ऑफ द लेवल ट्यूब एट द सेंटर राइट अगर आपका ऐसे एक बबल ट्यूब है मान के चलो राइट right? यहाँ पे मर्क्यूरी रहेगा आपका ऐसे रहेगा ना इसका तो इस वाले पॉइंट पे टेंजेंट जो ड्रॉ करते हैं हम लोग उसको हम क्या बोलते हैं एक्सिस ऑफ द लेवल डिग्री राइट इसको और एक नाम क्या है प्लजिंग और रिवर्सिंग यू कैन कॉल इट ट्रांसिटिंग प्लंजिंग और योर रिवर्सिंग बेसिकली वॉट वी डू वी रोटेट द टेलीस्कोप इन वर्टिकल प्लेन थ्रू वन एटी डिग्री राइट अबाउट द हॉरिजोंटल एक्सिस वी रोटेट इन वर्टिकल प्लेन अबाउट द हॉरिजोंटल एक्सेस राइट बहुत इंपॉर्टेंट वर्टिकल प्लेन में हम रोटेट करते हैं अबाउट अबाउट हॉरिजोंटल हॉरिजोंटल एक्सेस राइट दिस इज कॉल्ड एज योअर

हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हम टेलीस्कोप को ये पूरा सेटअप को रोटेट करते हैं ऐसे दैट इज कॉल्ड ए स्विंगिंग इफ इट इज इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं राइट स्विंग अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम अगर रोटेट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं लेफ्ट स्विंग राइट सो दिस इज अबाउट स्विंगिंग देन is your face left observation and face right observation now what is face left and face right? if if the face of the vertical circle is to the left of the observer okay jo wo aapka vertical circle hai it is purely based on vertical circle kaha pe hai. if your vertical circle is on the left side is on the left side of the observer then it is called face left observation राइट ओके लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जर्वर उसको हम फेस लेफ्ट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं अगर वो राइट साइड है राइट साइड ऑफ ऑब्जर्वर है तो हम उसको क्या बोलते हैं फेस राइट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं राइट देन इज द टेलीस्कोप नॉर्मल और डायरेक्ट ये कौन सा डायरेक्शन है दिस इज द डायरेक्शन ओके सो टेलीस्कोप नॉर्मल कंडीशन में दो चीजें होते हैं वन वन विल बी टेलीस्कोप विल बी इन फेस लेफ्ट कंडीशन एंड द बबल विल बी अप। बबल विल बी अप दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द टेलीस्कोप नॉर्मल और डायरेक्ट राइट दर इज वन मोर कंडीशन कॉल्ड एज टेलीस्कोप रिवर्स और रिवर्स और इनवर्टेड इसमें क्या होता है द टेलीस्कोप विल बी इन द राइट साइड And the bubble will be downwards. The bubble will be downwards. Very, very important. Okay, there might be a question on this. Right. Changing, changing face. What is changing face? Getting the telescope from right side of the observer to the left and left side of the observer to the right. This is called as changing face. Okay. From left to right or from right to, to left. इस वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं चेंजिंग ऑफ फेस बोलते हैं राइट सो दीज आर द द द डिफरेंट टर्म्स दैट विल कम अंडर सर्वे मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन एडजस्टमेंट इन सर्वे थियोडीलाइट देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट फर्स्ट वन इज द टेम्पररी एडजस्टमेंट एंड द सेकेंड वन इज द परमानेंट एडजस्टमेंट पहले हम टेम्पररी एडजस्टमेंट देखेंगे राइट right? फर्स्ट हम क्या करते हैं सेटिंग करते हैं सेटिंग मतलब सेंटरिंग हम पहले तो अपना Theodolite Uh, we will set the theodolite in the station, and with the help of the plumb bob, we do the centering and locate the point on the ground. Okay, yeah, thoda approximate leveling, When we are doing the centering, okay. Once the centering is done, with the help of the foot screw, we have to do the leveling. Okay, thodi jaga. थ्री फ्रूट क्रूज रहेगा थोड़ी लाइट में थोड़ी जगह फोर फूट स्क्रूज रहेगा राइट right? थ्री अगर है तो दो, दो दोनों के बीच एक ऐसे पैरल लो और एक फूड स्क्रू को रोटेट करो ऐसे करके आपको एडजस्ट करना है फूड स्क्रू सो दैट आपका लेवल जो बबल रहता है लेवलिंग का बबल दैट विल कम इन द सेंटर ओके फोर फ्रूट फूड स्क्रूज का भी होता है थ्री फूड स्क्रूज का भी होता है राइट right?

जो अपना सामने जो आई पीस होता है उसको आप रोटेट करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट और एक फोकसिंग द ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्टिव है उससे भी आप एडजस्ट कर सकते हैं, राइट सो so, फोकसिंग स्क्रू दिया हुआ होता है उसको देख के आप अपना हॉरिजॉन्टल हेयर एडजस्ट कर सकते हैं या फिर फोकस कर सकते हैं सो योर एलिमिनेशन ऑफ पैरालैक्स कैन बी डन आइदर बाय आई पीस और बाय दी ऑब्जेक्टिव राइट सो दिस बेसिकली पैरेलल एक्सिस कब फॉर्म होगा ये इंपॉर्टेंट है याद रख लेना राइट कंडीशन अराइजिंग व्हेन व्हेन द इमेज फॉर्म्ड बाय फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव Is not in the plane of cross hair. In that condition, we have to do the elimination of the parallel axis. Right. Next is the adjustment in theodolite. This is the permanent adjustment. They go permanent adjustment charge isoka hai adjustment of plate level, adjustment of line of sight, adjustment of horizontal axis, and the adjustment of altitude level or the Vertical index. Okay. so what we do in the adjustment of plate level is we make the axis of plate bubble perpendicular to vertical axis when the bubble is in center when the bubble is in

एक्सिस सेंटर ऑफ द्रॉस टू सेंटर ऑफ दी जो अपना आई से, वही पे आपना भी होना चाहिए right? uh, right? इसमें क्या होता है ऑरिजोंटल एक्सिस शुड बी परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस राइट किसके लिए ना? हम स्पेयर टेस्ट कंडक्ट करते हैं राइट ऑल दिस एडजस्टमेंट्स आर डन व्हेन यू आर इनिशियली गेटिंग योर थियोडिलाइट रेडी ओके और मैन्युफैक्चर्ड राइट देन द लास्ट वन इज द एडजस्टमेंट ऑफ अल्टीट्यूड लेवल और द वर्टिकल इंडेक्स यहाँ पे हम क्या करते हैं अपना क्लिप एंड द टेंजेंट जो स्क्रूज होते हैं ना टेंजेंट स्क्रूज यूज करके हम लोग ये एडजस्टमेंट करते हैं लेवलिंग ऑफ एल्टीट्यूड बबल हम लोग करते हैं राइट सो दिस इज द एडजस्टमेंट ऑफ योर एल्टीट्यूड लेवल और और द इंडेक्स वर्टिकल इंडेक्स सो दीज आर योर परमानेंट एडजस्टमेंट मूविंग ऑन टू द ऑपरेशन लाइट में हम लोग क्या क्या ऑपरेशन करते हैं सो मेजरली वी डू टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन राइट फॉर कैलकुलेटिंग और मेजरिंग द हॉरिजोटल एंगल एक हम करते हैं रिपीटेशन मेथड एक हम करते हैं रिट्रेशन मेथड, राइट सो रिपीटेशन मेथड अगर आपको फाइन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए then you can go for repetition method. क्या करते हैं? एक angle को अगर हमको find करना है, तो पहले तो, पहले तो से करते हैं फिर ये एंगल फाइंड करेंगे फिर वापस आएंगे ये एंगल फाइंड करेंगे फिर वापस आएंगे ये एंगल फाइंड करेंगे वैसे हम रिपीटेडली करके एवरेज लेते हैं तो वहां से हमको आ, अपना एंगल मिल जाता है राइट नेक्स्ट वन इज द रिट्रेशन मेथड राइट दिस मेथड ऑल्सो इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सीरीज राइट नाउ वेयर डू वी यूज रीट्रेशन मेथड वी यूज इट मेजरली फॉर मेजरिंग योर वर्टिकल एंगल या फिर आपको मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन चाहिए मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ लाइन अगर आपको चाहिए यू हैव टू कैलकुलेट दैट यू विल गो फॉर द रिट्रेशन मेथड राइट देन और क्या कब और कहा यूज करते हैं रिट्रेशन मेथड हम लोग अगर आपको डायरेक्ट एंगल एंड डिफ्लेक्टेड डिफ्लेक्टेड एंगल चाहिए राइट right?

ले ऑफ मतलब ऑलरेडी आपका ओरिजोनटल एंगल आपके पास है राइट right? आपको उसको प्लॉट करना है अपने फील्ड में देन यू कैन गो फॉर द रिट्रेशन मेथड राइट वैसे ही अगर आपको जो रिपीटेशन मेथड से एंगल मिला हुआ है उसको आपको ग्राउंड पे प्लॉट करना है देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर द रिट्रेशन मेथड इन ऑल दिस केसेस यू कैन गो फॉर द रिट्रेशन मेथड रिट्रेशन मेथड ऑल्सो इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ सीरीज और क्या बोल सकते हैं इसको डायरेक्शन Method. Bhi bol sakte Right. These are the two methods from which you will be calculating your angles. Right. Then next one kya hai? The last one, uh, the last topic of the theodolite surveying is the fundamental lines and their desired relation. Fundamental lines and their desired relation. So there are five fundamental lines right isme ye jo relationship bolungi char relationship hai wo relationship hai these are very important right so the first one is the, the fundamental lines are the vertical axis horizontal axis line of collimation axis of plate level and the axis of altitude level right the first one is what the axis of the plate level must be perpendicular to the vertical axis right so the four Number 4 should be perpendicular to number 1. That is the first condition. The axis of plate level should be perpendicular to the vertical axis. Right. What is the second one? The line of collimation should be perpendicular to the horizontal axis. Right. What is line of collimation here? Number 3. Right. So, number 3 should be perpendicular to the horizontal axis. That is number 2. Okay. Both important and it should intersect with the vertical axis it should be perpendicular to horizontal axis and intersect your one that is the vertical axis right that is your second condition what is the third condition the third condition is horizontal axis must be perpendicular to vertical axis right so two should be perpendicular to one right रिमेंबर इन दिस वे सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू रिमेंबर ये पांच इसी ऑर्डर में याद रख लेना फिर ये नोटेशन याद रखना इससे इजी हो जाएगा आपका रिमेंबरेंस राइट नेक्स्ट वन इज वॉट द एक्सिस ऑफ एल्टीट्यूड लेवल मस्ट बी पैरल टू लाइन ऑफ कॉलिमेशन एल्टीट्यूड लेवल कौन सा एक्सिस है फाइव फाइव शुड बी पैरल फाइव शुड बी पैरल टू द लाइन ऑफ कॉलीमेशन दट इज योर थ्री right and moving on to the last one the vertical circle vernier must read zero when the line of collimation is horizontal right jo apna vertical circle hai that should be zero when the line of collimation is हॉरिजॉन्टल अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट देख रहे तो आप जब वर्टिकल सर्कल ऑब्जर्व करोगे उसके ऊपर थियोडी लाइट सर्वे राइट ये पूछेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे तो मेरा सजेशन है इस वाले ऑर्डर में याद रखना और इसको नंबर वाइज ऑर्डर रखना याद रखना तो आपको ईजी रहेगा सो द सेम थिंग इज शोन इन द figure here all axes their perpendicularity their parallelity is shown here right okay so this is about the theodolite survey kal hum traversing and omitted measurements ka class करेंगे uh, right जहाँ पे मैं बताऊँगी कैसे हम traversing करते हैं अगर measurements omitted हो गए तो कैसे करते हैं closing error क्या होता है all those things we will be dealing in the